हरिओम, स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। आज अध्याय 11 के अंतिम पांच श्लोक, जहां पर भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मेरे इस रूप तक पहुंचा जा सकता है। तो श्लोक नंबर 51 में 11वां अध्याय, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मानव रूप को देखकर मेरा चित्त स्थिर हो गया है और अब मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हुआ। क्योंकि अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी कि आपके इस रूप को, इस विराट रूप को देखकर मैं थोड़ा भयभीत हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं, तो कृपा करके मुझे अपना मानव रूप दिखाएं, अपना चतुर्भुज रूप दिखाएं। पहला जो रूप था वो निराकार रूप था, अभी जो रूप है वो साकार रूप है। दिव्य दृष्टि निराकार रूप को देखने के लिए होती है और साकार रूप को देखने के लिए, क्योंकि अभी साकार रूप तो ऐसे ही देखा जा सकता है लेकिन निराकार रूप देखा नहीं जा सकता। और यदि निराकार रूप पहले कभी देखा ही ना हो तो उसको देखकर, उसको सहन करना, उसको समझना, उसको जानना, उसका दर्शन करके ठहर जाना बहुत मुश्किल होता है। ये सबके बस की बात नहीं। अर्जुन भी दिव्य दृष्टि पाकर अति व्याकुल हो गया था। तो भगवान ने अब अपना, अर्जुन कह रहे हैं, आपके सौम्य मानव रूप को देखकर मेरा चित्त स्थिर हो गया है। मानव रूप और उसमें सौम्यता, दोनों चीजें समाहित हैं। इससे पहले जो रूप था वो महाकाल रूप था, जहां पर मौत दिख रही थी, साक्षात मौत दिख रही थी। दिख रही थी कि सारे पांडव भी मौत के मुंह में जा रहे हैं और सारे कौरव भी भागे जा रहे। देखा जाए तो देर और सवेर सब मृत्यु के ग्रास बन ही जाते हैं, लेकिन मौत जब सामने दिखाई दे तो उसका भय, उसका डर बहुत ज्यादा व्यक्ति को सताता रहता है। अर्जुन को भी भय लग रहा था, इसलिए उसने कहा कि आप अपना मानव रूप, अपना सौम्य रूप दिखाएं। तो अर्जुन कह रहा है कि आपका यह मानव रूप और सौम्य रूप देखकर मेरा जो चित्त है वो स्थिर हो गया। भय में कभी चित्त स्थिर नहीं होता। भयभीत व्यक्ति चित्त उसका हलचल में बना रहता है। वैसे तो हमारा मन ठहरता कहां है, चित्त स्थिर होता ही नहीं, दिन भर भागता रहता है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, मन कहीं और भी भाग रहा है। मन का ठहरना बड़ा मुश्किल होता है। यदि किसी का मन ठहर जाए, ठहरा हुआ मन ही साधना है और भागता हुआ मन ही वासना है। हमारा मन यदि भाग रहा है तो हम वासना में है, हमारा मन ठहर गया है, चित्त ठहर गया है तो हम साधना में, और सारे साधन चित्त को ठहरने के लिए है, सारे भोग चित्त को भगाने के लिए। जब चित्त बाहर की तरफ दौड़ता है, संसार की तरफ दौड़ता है तो भागता है, जब चित्त अपने स्वरूप की तरफ दौड़ता है तो ठहरता है और स्थिर होता है। चित्त का स्थिर होना कोई सरल बात नहीं। हम चाहते हैं, प्रयास करते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, प्रार्थना के लिए बैठते हैं कि हमारा दो पल, दो घड़ी चित्त स्थिर तो हो जाए, लेकिन दो घड़ी तो बहुत दूर, एक घड़ी भी नहीं हो पाता, आधी घड़ी भी नहीं हो पाता, आधी से आधी घड़ी भी नहीं हो पाता। एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी ते पुनियाद, हमारा मन बिल्कुल भी 6 मिनट के लिए भी ठहर नहीं पाता। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की, और उससे आधी चौथाई घड़ी जो है वो 6 मिनट की है। आपको भी बैठना ध्यान के लिए और देखना मन को कि क्या 6 मिनट तक मन निर्विचार होकर, बिना किसी ख्याल के बैठा है, रुका है, ठहरा है, आप पाएंगे बड़ा मुश्किल है।
बड़ा मुश्किल है मन का ठहर जाना कुछ पलों के लिए। यही तो साधना है, अभ्यास और वैराग्य यही तो है जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण गीता के 6 अध्याय में कहते आए। अर्जुन कह रहा है कि आपका रूप देखकर मेरा चित्त स्थिर हो गया। हम भी ध्यान का अभ्यास, प्रार्थना, पूजा, सत्संग, भजन, सारे आयोजन का जो लक्ष्य है वो है चित्त का स्थिर हो जाना। स्थिर चित्त, स्थिर मन हमको हमारे स्वरूप में पहुंचा देता है, टिका देता है, और हलचल वाला मन हमको हमारे स्वरूप से दूर ले जाता है। हमारे ही स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप जैसे आईना है, सामने है, और उस आईने को आप हिलाते रहो तो आप अपना चेहरा नहीं देख पाओगे, क्योंकि आईना बहुत तेजी से हिल रहा है। आईना यदि ठहर जाए तो अपना चेहरा हम देख पाएंगे। अब आईने को ठहराना है तो हम चेहरा देख पाए, चेहरा तो वहां है ही है, आईना ही हिल रहा है, तो आत्मस्वरूप तो है ही है, लेकिन मन ही हिल रहा है, चित्त ही हिल रहा है, और चित्त के आधार पर ही हम चेतना को अनुभव कर सकते हैं, और जिसके आधार पर कर सकते हैं वही हिल रहा हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर अर्जुन ने समर्पण भाव किया, परमात्मा के दर्शन अपने ही अंतरतम में किए, और उसका चित्त पूरी तरह से ठहर गया, स्थिर हो गया। हमारा तनाव क्या है, भागता मन? दुख क्या है, भागता मन? हलचल, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता, अहंकार, राग और द्वेष क्या है? भागता हुआ मन। हमारा लोभ, मोह, राग क्या है? भागता हुआ मन। सारे विकार, विकार मतलब भाग गया है मन। और मन किस दिशा में भागा, वो जिस दिशा में भागा उस दिशा का, जैसे बाहर सड़कों के नाम होते हैं, आप जिस सड़क पर चल रहे हैं जब आप गूगल मैप खोलते हैं तो वहां पर वो सड़क का नाम बोलती है, तो उस सड़क का एक नाम है। आप विदेश जाएंगे तो वहां पर हर सड़क का कोई ना कोई नाम होगा, नंबर होगा, हर घर का एक नंबर होगा, आप किधर जा रहे हैं, तो एक सड़क का नाम है। तो ऐसे मन जब किसी दिशा की तरफ भागता है बाहर, तो उसका एक नाम है। काम वासना हो सकता है नाम, क्रोध हो सकता है नाम, लोभ हो सकता है, मोह हो सकता है, राग द्वेष हो सकता है। कहां जा रहा है मन, किस रास्ते पर हो गया, उसका एक नाम होता है। और मन जब बाहर की तरफ भागता है एक दिशा में, उसको विकार कहते हैं। इस कारण से चित्त कभी स्थिर हो नहीं पाता। चित्त का स्थिर होने का मतलब है कि मन जो भाग रहा था, अब भागना बंद हो गया उसका, अब वो कहीं भाग नहीं रहा। क्योंकि भागेगा तो विकार आएगा, कोई इच्छा आएगी, कोई वासना उठेगी, कोई अहंकार पैदा हो जाएगा, कोई मैं मेरा हो जाएगा, लेकिन वो भागना ही बंद हो गया, चित्त स्थिर हो गया। चित्त स्थिर होते ही अपने स्वरूप में आ गया, तो अर्जुन का चित्त भी अपने स्वरूप में आ गया, ठहर गया, चित्त स्थिर हो गया है, और अब मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हुआ। हमारा चित्त जब स्थिर होगा तो हमारी स्वाभाविक स्थिति हमको प्राप्त हो सकती है, और हमारी स्वाभाविक स्थिति आनंद की है, प्रेम की है, शांति की है, प्रसन्नता की है, परोपकार की है, निस्वार्थ की है, निष्काम की है। हमारी स्वाभाविक स्थिति प्रेम की है, फव्वारे की तरह बाहर की तरफ बह जाने की है, अर्थात एक भाव हो जाने की है, समता की है। सत्चित आनंद हमारा स्वभाव है, ये हमारी स्वाभाविक अवस्थाएं, जो इतने भी आत्मा के गुण हैं, वो हमारी स्वाभाविक अवस्था है। शांति हमारी स्वाभाविक अवस्था है, अशांति हमारी स्वाभाविक अवस्था नहीं, ये तो ऊपर से आई है। तनाव ऊपर से आया है, आनंद स्वाभाविक अवस्था है, दुख ऊपर से आए हैं, अक्षय सुख स्वाभाविक अवस्था है, जो बंधन है वो बाहर से आए हैं, मुक्ति स्वाभाविक अवस्था है। ये जो हमारी स्वाभाविक अवस्था है, यदि हम इसको पाले तो अध्यात्म घट गया, बात बन गई, फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं। बल्कि हमारे चित्त के ऊपर इतनी हलचल है अलग अलग तरीकों से, तो हमारी जो स्वाभाविक अवस्था है
वो कहीं हमसे रूठ गई, दूर हो गई, हमें दिखी नहीं रही है। है हमारे पास लेकिन हमारा ध्यान ही उधर नहीं है, हमारा ध्यान ही कहीं और है। मुड़ तेरा ध्यान किधर है, मुड़ना जरूरी है। हम बाहर की ओर रहते, जगत में दौड़ते रहते तो हम मुड़ ही नहीं पाते। अंदर की तरफ मुड़ेंगे तो अपने आप को जानेंगे, बाहर की तरफ रहेंगे तो जगत को जानेंगे। अध्यात्म अपने को जानने की स्थिति है और संसार जगत को जानने की। जगत को जानने में एक बंधन पैदा हो जाता है, अपने को जानने में मुक्ति पैदा हो जाती है। तो अर्जुन कह रहा है कि मैंने अपनी स्वाभाविक अवस्था को पा लिया है। कैसे पाया? चित्त की स्थिर अवस्था के कारण से स्वाभाविक अवस्था को मैंने पाया है। आपको भी कभी अपने स्वाभाविक अवस्था को पाना हो तो चित्त को शांत कर दीजिए, आपकी स्वाभाविक अवस्था आपके सामने प्रकट हो जाएगी कि आप क्या हैं। अंदर से आप आनंद स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। प्रकट कब होगा? जब चित्त ठहरा होगा। अन्यथा जो बाहर से अशांति, तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता, जल्दबाजी, नाराजगी, हिंसा, चुगलखोरी, निंदा, ये सब जो है ये बाहर से आई है, मेरा ये स्वभाव नहीं है। जैसे आप घर से निकलो तो धीरे धीरे, और आप जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो धूल के कण आपके कपड़ों पे आने शुरू हो जाएंगे, आपके चेहरे पर, आपके हाथ पे आने शुरू हो जाएंगे। और पोल्यूशन ज्यादा हो, धूल धक्कड़ ज्यादा हो, तो जब आप घर आकर देखते हैं और किसी तौलिए से अपने मुंह को पोंछते हैं या साबुन से अपने मुंह को, हाथ को धोते हैं, तो काला काला निकल जाता है। वो काला कहां से आ गया? ये आपकी स्वाभाविक अवस्था थोड़ी है वो कालापन, वो गंदगी, वो तो बाहर से आपके ऊपर इकट्ठा हुई और इकट्ठा हो ही रही है लगातार। ऐसे ही मन के ऊपर भी बहुत सारी चीजें बाहर से लगातार पड़ रही है, उनकी छापे पड़ रही है। वो विकार, कोई कोई इच्छा, कोई दृश्य, कोई रूप, कोई गंध, कोई स्वाद, बाहर से हमारे अंदर चित्त पर आ रहा है और चित्त हिल रहा है। चित्त यूं ही हिलता रहता है क्योंकि हम उसको बाहर की तरफ लगाए रखते हैं, और बाहर की हर आवाज, हर गंध, हर रूप चित्त पर प्रभाव डालता है और उसकी स्वाभाविक अवस्था को हिला देता है। जैसे आपका चेहरा पूरी तरह से साफ, साबुन के बाद आपने डीप क्लींजिंग कर दिया हो, वो साफ हो गया, थोड़ी देर में फिर से या तो पसीनों से अंदर से कुछ आ जाएगा या बाहर से कुछ आ जाएगा। ऐसे ही मन के साथ होता है, या तो चित्त में पड़े हुए संस्कारों से कुछ उभर कर आ जाएगा मन के ऊपर, या बाहर से कुछ आ जाएगा इंद्रियों के माध्यम से। तो इस तरह से दो तरफ से हमारा मन अशुद्ध होता रहता है, चित्त अस्थिर होता रहता है। इस चित्त को स्थिर करने के लिए मौन में आना है, प्रार्थना में आना है, ठहरना है। यदि मौन में नहीं आए तो चित्त कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए मौन अर्थात मन की मौन, इंद्रियों की मौन, बुद्धि की मौन, अहंकार की मौन, शरीर की मौन, हर स्तर की एक मौन हो, प्राणों की मौन, इच्छाओं, वासनाओं और विकारों की मौन, हर जगह जो भी हिल रहा है सब ठहर जाए, उसको मौन कहते हैं। मौन बाह्य मौन होती है, मध्य मौन होती है, एक आंतरिक मौन होती है, जहां पर पूरी तरह से अब हमारा चित्त स्थिर हो गया है। तो इसलिए मौन जब आवश्यकता नहीं तो अपने आप को इकट्ठा कर लो, समेट लो, कछुए की तरह। आवश्यकता नहीं होती तो अंग समेट लेता है कछुआ, आवश्यकता नहीं तो इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को समेट लीजिए और मौन, एकांत और ध्यान में उतर आइए, आप अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाएंगे। आगे 52वें श्लोक में अब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप देखा है इसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। देवगण भी नित्य इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो ये जो चतुर्भुज रूप, जो सौम्य रूप तूने देखा, इसका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि समर्पण हम कहां कर पाते,
हमारी बुद्धि खड़ी है, अहंकार खड़ा है, हमारी इच्छा वासना खड़ी है, हमारे स्वार्थ खड़े हैं, हमें कुछ बाहर से चाहिए। हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ क्या कभी 100% होता है? पूरे का पूरा, पूर्णता के साथ, शरीर का हाव भाव, प्राणों का स्पंदन, मन की सारी क्रियाकलाप, इंद्रियों का सारा जो प्रवाह है, बुद्धि का प्रवाह, अहम का प्रभाव, अर्थात पूरे के पूरे व्यक्तित्व का जब फ्लो केवल परमात्मा को पाने के लिए लग जाए तो उसको पूर्णता के साथ समर्पण कहा जाता है। अभी हम हो सकता है सिर को झुका ले, लेकिन मन तो नहीं झुका। हो सकता है मन को झुका ले, लेकिन बुद्धि नहीं झुकी। हो सकता है बुद्धि को झुका ले, लेकिन इच्छाएं और वासनाएं खड़ी हैं। हो सकता है इच्छाओं वासनाओं को शांत करके, मन को ठहर के आप शरीर को झुका लें, लेकिन अहंकार खड़ा होगा। कोई ना कोई चीज खड़ी रह जाएगी, बच जाएगी, रुक जाएगी। जैसे आप जब दान देने लगते हैं तो सभी कुछ दान थोड़ी दे देते, कुछ बचा भी तो लेते हैं अपने पास। आप किसी को खाना खिला रहे हैं, सारी रोटियां थोड़ी दे देते हैं, कुछ अपने लिए तो बचा लेते हैं। जब कुछ बचा लिया तो पूर्णता नहीं हुई। पूर्णता तो तब है परमात्मा के लिए कि सर्वस्व समर्पण हो जाए, पूरी तरह से जो भी कुछ है वो सब प्राण ही समर्पित हो जाए, पूरा जीवन जब समर्पित हो जाए तब वो जो ईश्वर है उसकी अनुभूति हमारे भीतर अनुभव होने लगेगी, अन्यथा नहीं होगी। इसलिए बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि हर व्यक्ति परमात्मा को पाने के लिए कर रहा है, वहां कुछ पाना उसके अंदर है, मुक्ति को पाने के लिए अभ्यास कर रहा है, तो मुक्ति को पाने की चाह उसके अंदर है। तो मुक्ति की चाह, मुक्ति में सबसे बड़ी रुकावट है परमात्मा को पाने की चाह। ये जो चाह है यही तो रुकावट है, चाह ही तो फिर इच्छा, इच्छा अहंकार के आधार पर, और अहंकार सारे विकार, और फिर पूरी की पूरी दुकान विकारों की खड़ी है। एक चीज से सब कुछ खड़ा हो जाता है। जैसे कोई एक गलत व्यक्ति सिस्टम में आ जाए, एक गलत एक दुकानदार किसी सेल्समैन को हायर करे और वो चोर स्वभाव का हो, एक गलत सिस्टम में आ जाए, तो वो और अपने चोरों को बुलाकर पूरी दुकान को लूट सकता है। ऐसे घर में भी बहुत सारे ऐसे काम करने वाले हैं जो एक 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 चोर भाव का व्यक्ति यदि कोई अंदर घुस जाए तो फिर वो चुरा सकता है। एक सेल यदि कैंसर का पैदा हो जाए तो बहुत सारे अपने साथ वो ला सकता है। एक भाव अनेक भावों को पैदा कर देता है, एक कुविचार अनेक कुविचारों को पैदा कर देता है। क्रोध का एक भाव बहुत बड़े क्रोध का कारण बन जाता है। काम वासना का एक भाव बहुत बड़ी वासना का कारण बन जाता है। एक काफी होता है, ऐसे गलत विचार एक काफी होता है। तो एक विचार भी न रहे पूरी तरह से, जब तक हम अपने आप को सर्वस्व समर्पण परमात्मा के लिए न कर दें, और वो प्रक्रिया लगातार हो, और उसके बाद प्रभु की कृपा हो हम पर, तो ये दर्शन हो सकता है परमात्मा का जो चतुर्भुज रूप है, अन्यथा बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि हम परमात्मा को थोड़ी पाने की कोशिश करते हैं, हम तो अपने को ही सुधारने की, अपने को ही बेस्ट करने की, अपने को ही धनी कुटुंब वाला पद वाला व्यापार वाला और अपने को ही कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। वो चीजें हम बड़ी करते हैं जो आज नहीं तो कल सब धूल बन जाएगा, हम ही धूल हो जाएंगे, ये शरीर ही धूल हो जाएगा, बाकी राख होती ही कितनी है। आप कभी हरिद्वार जाकर देखें, एक मुट्ठी राख होती है, लोटे में चली आती है, कपड़े में बंधकर चली आती है। बड़े से बड़ा अहंकार एक मुट्ठी राख ही तो है, फिर भी व्यक्ति अहंकार के साथ अपने जीवन को जीता रहता है। क्यों ना उस अहंकार को त्याग कर उस प्रेम समर्पण, उस निस्वार्थ और निष्काम भाव के साथ, शांति और आनंद के साथ, संभाव के साथ जीवन को जिया जाए। क्यों ना जीवन को उसकी पूर्णता के साथ जिया जाए। क्यों ना अधूरे अधूरे जीवन को जीने से कोई फायदा नहीं है, क्यों ना उसको। और यहां पर गीता यही हमको सिखा रही है कि कैसे अपने आप को बेहतर तरीके से हम जिए। तो भगवान बोले ये बड़ा दुर्लभ है, और देवगण भी नित्य इस रूप
इस दर्शन के लिए आकांक्षा करते रहते हैं, जो देवगण हैं, देवगण के लिए बड़ा कठिन है। जो मनुष्य के लिए आसान है वो देवताओं के लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि देवता भी मनुष्य जीवन पा लेना चाहते हैं। देवगण मतलब कि केवल और केवल सुखद अनुभूतियां, केवल सुख में बीता हुआ जीवन। तो इसलिए देवता, इसलिए स्वर्ग में सारे देवता वास करते हैं, और स्वर्ग की जो कल्पना और परिकल्पना है वो है कि सारे सुख के साधन वहां पर उपलब्ध है, जो चाहो वहां पर उपलब्ध है, कामिनी कंचन कीर्ति सब कुछ वहां पर उपलब्ध है। तो वो स्वर्ग है और वहां वो एक देवगण है, देवता है। अर्थात देवता भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो सुख में रमा है वो कैसे दर्शन कर पाएगा। जो वासनाओं में इच्छाओं में रमा है और उसमें ही सुख सुख और सुख का अनुभव कर रहा है, वो परमात्मा के इस दर्शन को नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देवगण अर्थात पूरी तरह से सुख में रमा हुआ एक 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 जीव, एक आत्मा। तो भगवान कह रहे हैं उसके लिए भी कठिन, और वास्तविकता में देवताओं के लिए जो चीज कठिन होती है वो मनुष्यों के लिए सरल हो जाती है, क्योंकि मनुष्य एक है देवता, एक है मनुष्य, एक है राक्षस। मनुष्य बीच की अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है यहां से मुक्ति की तरफ जाया जा सकता है। ना राक्षस मुक्ति की तरफ जा सकते हैं, ना देवता मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। देवताओं को मुक्ति चाहिए तो मनुष्य के आधार पर ही जा सकते हैं, राक्षस को चाहिए तो राक्षसत्व से उठकर पहले वो मनुष्य बनेंगे और उसके बाद एक मनुष्य जन्म, एक जीवन जहां पर विवेक और प्रज्ञा के माध्यम से व्यक्ति अपने उस ऊंची अवस्था को पा सकता है, और वो जन्म हमको मिला हुआ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तूने जो दर्शन किए हैं वो देवताओं के लिए भी बहुत ही दुर्लभ है। आगे 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जैसे तूने मुझे देखा है ऐसे चतुर्भुज रूप वाला ना तो मैं वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूं। वेद, तप, दान और यज्ञ, ये चार चीजें, वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बुद्धि का विस्तार करता है और एक एक तैयार करता है, एक साधना के लिए तैयारी है। ना कि वेद पढ़ के, उपनिषद पढ़ के मुक्त हो जाए, ना कि जिसने वेद पढ़ लिए वो मुक्त हो गए, वो तो शब्द इकट्ठे हो गए, एक तैयारी, एक फाउंडेशन तैयार हो गई है। जैसे कोई किताब पढ़ ली हो हमने खाना बनाने की, वो किताब ही तो पढ़ी है, उससे खाना थोड़ी बन जाएगा, खाना तो बनाना पड़ेगा। वेद में जो लिखा है उसमें तो उतरना पड़ेगा, केवल वेद पाठी हो जाने से कुछ भी ना होगा, वो तो शब्द ही हमने पढ़ लिए हैं। वो तो गीता पढ़ लेने से कुछ ना होगा, लिख लेने से कुछ ना होगा, क्योंकि वो तो केवल पढ़ लिया है, बोल दिया है, देख लिया है, सुन लिया है, उससे क्या होगा, उसमें अपने आप को उतारना होगा, उससे होगा, उतारने से होगा, पूरी तरह से इंवाइब करने से होगा, आत्मसात करने से होगा, वही उसका रूप बन जाने से होगा। तो वेद के अध्ययन से मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूं। वेद का मतलब केवल चार वेद नहीं, बल्कि जो भी ज्ञान शास्त्रों में जो ज्ञान लिखा है उसको सबको वेद कहा जाता है। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। एक पुस्तक भी वेद है, बाकी ज्ञान जो आत्मिक ज्ञान है वो वेद है। अर्थात आत्मिक ज्ञान के लिए जो भी पढ़ा जा रहा है उससे परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो तो केवल पढ़ा जा रहा है। पढ़ने मात्र से यदि दर्शन हो जाए तो पढ़ लेना तो बहुत सरल है, केवल गीता पढ़ लो, क्या परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे? वेद पढ़ लीजिए, क्या दर्शन हो जाएंगे? सभी उपनिषदों को याद कर लीजिए, क्या दर्शन हो जाएंगे? भगवान कह रहे हैं नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। दूसरी बात कह रहे हैं, न तप से, जो तुम तप करोगे, और लगातार हम तप में रहते हैं और चाहते हैं कि तप से मैं परमात्मा को पालू, कुछ करके परमात्मा को पालू। ये कुछ करना हमारे अंदर जब तक पड़ा रहेगा तब तक उस परमात्मा का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर समर्पण से जो परमात्मा का दर्शन होता है, तप से भी व्यक्ति पहुंच सकता है, लेकिन गीता तप का शास्त्र नहीं,
गीता ज्ञान का शास्त्र है, गीता सांख्य का शास्त्र है, गीता अपने स्वरूप को जानने का शास्त्र है। वो कुछ करके नहीं बल्कि सब कुछ छोड़कर समर्पित होकर ईश्वर परिधान करते हुए अपने स्वरूप को जानने का शास्त्र है। इसलिए भगवान कह रहे तप तो करता रहे, तेरा अहंकार बढ़ जाएगा, तप से वे प्राप्त ना होगा और दान से भी मैं प्राप्त ना होगा और यज्ञ से भी मैं प्राप्त ना हो पाऊंगा, मैं देखा नहीं जा पाऊंगा। लेकिन फिर भी ये चार चीजें अनूठी हैं, अनोखी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इन चारों चीजों को भगवान ने कहा कि ये से मैं प्राप्त नहीं हो सकता तो फिर इन चारों चीजों को छोड़ो, दान को छोड़ो, यज्ञ को छोड़ो, तप को छोड़ो, चूंकि भगवान ने खुद ही मना कर दिया। लेकिन जो भगवान ने कहा फिर क्या हमने उसको पकड़ लिया? क्या हम पूर्णता में समर्पण के भाव में आ गए? यदि पूर्णता में समर्पण के भाव में हम नहीं आए तो इन चारों चीजों को पकड़ कर रखना, क्योंकि ये चार ही चीज हैं जो आपको उस स्थिति तक लेकर जाएंगी, क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये आधार है। इन आधार के माध्यम से आप उस ऊंची अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। या तो सांख्य योग एकदम सद जाए कि हम जो है उसको अनुभव कर लें, अन्यथा हमें वेद का अध्ययन करना होगा, जिसे स्वाध्याय होगा, एक फाउंडेशन तैयार होगी, कुछ तप करना होगा कि इंद्रियां बाहर की तरफ जा रही हैं उनको तपाओ। तप का मतलब है ऊर्जा जो बाहर की तरफ बेकार में बह जाती है उसका संचय कर लेना तप है। दान का मतलब है कि जो मेरे पास है, क्योंकि हम परिग्रह में रहने वाले लोग हैं, हमें और चाहिए, लोभ से भरे हुए हैं, हम अपने पास बहुत कुछ इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। दान है जो मेरे पास है, मेरा है, उसको बांट देने की प्रक्रिया, दूसरों तक पहुंचा देने की प्रक्रिया, अर्थात सबकी भलाई का भाव जिसके अंदर जगता है वो दान में जाता है, और जो केवल अपनी भलाई अपना 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 करता रहता है वो एक रुपया दान भी नहीं देगा। हृदय को खोल देने के लिए दान होता है, जिसको मिल रहा है उसके लिए यहां कुछ नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण है जो दे रहा है उसके उसका भाव बदल जाता है, वो अब सबकी भलाई के लिए अपने आप को न्योछावर करने लगता है। जो है प्रकृति से आया है, बाहर से आया है और उन्हीं के लिए। तो ये दान भीतर की सफाई की प्रक्रिया है। ऐसा थोड़ी है कि हम दान दिए बिना उस ऊंची अवस्था को पा लेंगे। हम कहें नहीं भैया जो मेरा है मैं तो अपने पास ही रखूंगा, दान मुझे देना नहीं है और मैं उस परमात्मा की ऊंची स्थिति को, ज्ञान को प्राप्त हो जाऊं, बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि वो एक तरीके हैं, साधनाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं अपने चित्त की सफाई की। दान भी एक प्रैक्टिस है चित्त की सफाई की। यज्ञ करना भी एक प्रैक्टिस है, क्योंकि यज्ञ है सबकी भलाई के लिए किए गए कर्मों को यज्ञ कहा जाता है, और जो इकट्ठा हुआ है वो सबकी भलाई में बट जाए उसको दान कहा जाता है। और अपना शरीर, अपना मन, अपनी इंद्रियां अनावश्यक बाहर ना जाए उसको तप कहा जाता है। और मेरी एक स्थिति, एक फाउंडेशन तैयार हो जाए उसके लिए स्वाध्याय, वेद का अध्ययन कहा जाता है। ये चारों चीजें सहायक हो जाएंगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा इन चारों चीजों को छोड़कर ही हम अपने स्वरूप को पा सकते हैं। फिर इनको पकड़ के नहीं रखना, इनको करते हुए इनको छोड़ जाना, क्योंकि जब तक इन चारों में से किसी को पकड़ कर रखेंगे, दान को पकड़ कर रखेंगे तो परमात्मा का दर्शन ना हो पाएगा। तप को पकड़ेंगे, यज्ञ को पकड़ना नहीं है, उसका रूप नहीं बनना, बस वो कृत्य करते जाना है। और वो कृत्य हमारे चित्त की सफाई है, एक फाउंडेशन है, और फिर उसके बाद जो मैं हूं मैं उस भाव में अपने आप को ले आता हूं, या वो भाव खुद ब खुद मेरे सामने प्रकट हो जाता है, चूंकि एक तैयारी हो गई। लेकिन इसलिए भगवान ने कहा कि ये ऐसा ना हो कि तू वेदों को पकड़ के रख जीवन भर, छोड़ना होगा। जैसे आपको, आप कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं, आपको अपने घर आना है, आप कार से अपने कार चलाकर अपने घर आए। अब आपने अपनी कार को अपने गैराज में खड़ा कर दिया, बाहर नीचे जहां भी आप खड़ी करते हैं वहां खड़ा कर दिया। अब आप अपनी कार से उतरकर, सीढ़ियों से चढ़कर या लिफ्ट से किसी भी तरीके से आप अपने घर आ गए। अब कार माध्यम थी दूर यात्रा के लिए आपकी, बस
ट्रेन, हवाई जहाज माध्यम था दूर यात्रा के लिए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो जो माध्यम है उसको पकड़कर आप रख ले और आप कहें कि इस माध्यम ने मुझे पहुंचाया, चलो उसको घर तक ले चलते। तो बस को कैसे घर लाओगे, ट्रेन को कैसे घर लाओगे, हवाई जहाज को कैसे घर लाओगे, कार को कैसे घर लाओगे, उसको तो बाहर छोड़ना होगा। आप जब बिस्तर पर जाते हो तो आपकी चप्पल जो दिन भर आपका सहयोग करती रहती है, कंकड़ पत्थर कांटे ठंडे गर्म से आपको बचाव देती रहती है, उनको भी छोड़ देना होगा, तभी आपको नींद आ सकती। तो छोड़ना होगा सारे माध्यमों को, तब आप अपने स्व के भाव में आ सकते हैं। तो ये जो वेद का अध्ययन है, यज्ञ तप और दान है, ये सब माध्यम है अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए, फिर इनको भी छोड़ देना होगा। ऐसा नहीं कि इनको करना ही नहीं है तो बहुत बड़ी फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि हमारा फाउंडेशन तो तैयार ही नहीं हुआ है, हमने दान तो दिया ही नहीं है, हमारे अंदर वो भाव ही नहीं उठा सबके लिए। हम तो केवल मुंह जवानी जमा खर्च करते रहते हैं, जो अपने जो जेब में है वो तो किसी को देना ही नहीं चाहते, तो वो भाव फिर हमारा कभी भी कंजूसी से ऊपर उठकर आएगा नहीं। अंदर कृपणता बनी रहेगी और हृदय कभी खुलेगा नहीं। हृदय तो पूरी तरह से उदार चित्त होना चाहिए। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम का भाव तब पैदा होता है जब चित्त उदार होने लगता है, चित्त खुल जाता है, हृदय खुल जाता है, सबकी भलाई का भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति के पास जो है, आखिर वो कितना चाहिए उसको, एक व्यक्ति को जीवन के लिए चाहिए कितना, लेकिन हम तो न जाने कितनी पीढ़ियों का बंदोबस्त किए चले जाते, पता नहीं वो पीढ़ी बाद में रहे न रहे, पता नहीं आगे क्या हो, मैं रहूं न रहूं, लेकिन हमारी तैयारियां तो बहुत ज्यादा लंबी होती है। तो एक साहूकार ने अपने कैशियर को कहा कि देखो कितना सारा धन इकट्ठा है, सब इकट्ठा किया गया आपने। उसने एक मंत्री को बुलाया और कहा कि भैया कितनी पीढ़ियां इस धन के माध्यम से जैसे मैं जीवन जी रहा हूं ऐसे जी सकती है। तो मंत्री ने पूरी कैलकुलेशन की और राजा साहब से कहा कि भगवान 17 पीढ़ियां ऐसी हैं जैसे आप जी रहे हो, बिना कुछ करे ऐसी ही जीती रहती। राजा बहुत डिप्रेस हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, कई दिन हो गए डिप्रेस हो गया। गुरु ने पूछ लिया, राजन क्या हो गया? कि नहीं गुरुवर, मैंने पूरा अनुमान लगवाया कि कितने धन है हमारे पास और कितनी पीढ़ियां उस धन से बिना कुछ किए खा सकती हैं। तो मंत्री ने कहा कि 17 पीढ़ियां तक खा सकती है, तो 18वीं पीढ़ी का क्या होगा? भगवान में बहुत जा सोच सोच कर बड़ा उदास हूं, हताश हूं, निराश हूं। भला आपको यदि हम आज देखें, आपके 5 पीढ़ी पहले पड़दादा का नाम क्या था? आपको पड़दादा का नाम याद नहीं होगा 5 पीढ़ी का, वो राजा 17वीं और 18वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा है। हम भी कुछ ऐसे ही इकट्ठा किए जा रहे हैं जैसे हजारों साल यहां रहना हो। ये तत्व से जानना नहीं है, ये केवल लोभ का स्वभाव है। इस स्वभाव को तोड़ने के लिए दान किया जाता है। आगे 54वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा इस रूप वाला मैं तत्व से जाना व देखा जा सकता हूं, और हे परंतप, मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। अनन्य भक्ति द्वारा इस रूप को मैं तत्व से जाना व देखा जा सकता। अनन्य भक्ति बहुत जरूरी है साधना में। बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के, बिना समर्पण के, बिना ईश्वर परिधान के कुछ नहीं होता। यहां अपने को गवाना होता है, अपने को मिटाना होता है, अपने को पूरी तरह से ना कुछ कर देना होता है, तब उसका दर्शन, उसको जानना संभव हो सकता है। यदि मैंने अपने को बड़ा किया हुआ है तो उसको जानना बड़ा कठिन। तो अनन्य भक्ति चाहिए। अनन्य भक्ति का मतलब होता है कि केवल और केवल परमात्मा का ही ध्यान रहे। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, आंख खोलते आंख बंद करते, दिन भर केवल परमात्मा का ही ध्यान जब रहे, किसी अन्य का ध्यान ना हो,
ना धन का, ना पद का, ना किसी अन्य ध्यान आए ही ना, और जो आए भी तो उसमें भी परमात्मा ही है, उसको अनन्य भक्ति कहा जाता है। और भक्त वो है जिसका ध्यान केवल लगातार परमात्मा में हो। जैसे हनुमान जी को भक्त कहा जाता है, भक्त परंपरा में हनुमान जी का नाम क्यों? क्योंकि हर समय श्री राम राम राम, उठते बैठते खाते पीते राम, अंदर राम बाहर राम, ध्यान में राम, राम काज समय राम का, सब कुछ राम का। भक्त का अपना कुछ नहीं होता, यदि अपना कुछ है तो वो भक्त नहीं, जो है वो श्री राम का है। समय श्री राम का है, शक्ति श्री राम की है, शरीर श्री राम का है, मन श्री राम का है, बुद्धि श्री राम के लिए है, शक्तियां श्री राम के लिए हैं। अपना कुछ ना हो, जब केवल और केवल परमात्मा का ही ध्यान जग जाए, उसको अनन्य भक्ति कहा जाता है। और भगवान उसी अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं कि जब अनन्य भक्ति पैदा हो जाती है तो फिर यह रूप अनुभव हो सकता है, इसको देखा भी जा सकता है, उसको जाना भी जा सकता है। जानना और देखना दोनों बातें भगवान ने कही। देखना एकदम देख लिया हमने किसी चीज को, लेकिन देखा लेकिन जाना नहीं उसको, तो दोनों चीजें हैं। आम को देखा और आम को जाना कि ये मीठा है, आम को जाना कि ये हाफूस आम है बंबई का, आम को जाना, जानने की प्रक्रिया भी हुई और देखने की प्रक्रिया भी हुई। देखने की प्रक्रिया क्षणिक हो सकती है, लेकिन जब जान लिया किसी चीज को तो बहुत ही गहरे स्तर पर हमारे अंतरतम में आ सकता है। जानना महत्वपूर्ण है, पहला स्टेप देखना होता है, दूसरा स्टेप जानना होता है। प्रभु को देखना और उसके बाद उसको जानना, किसी चीज को, किसी दृश्य को, किसी स्थान को, किसी पदार्थ को, किसी व्यक्ति को पहले देखते हैं हम और फिर उसको जानते हैं। तो पहले देखा, अरे चाय का गिलास है, चाय का कप है, तो पहले चाय देखी, हाथ में उठाकर देखा, उसको जाना, ये तो गर्म है, ये तो मीठी है ना, ये तो ठंडी है, उसको जाना कि इसमें पत्ती ज्यादा है, कम है, दूध कम है, ज्यादा है, वो फिर अनुभव करके। देखकर बड़ा मुश्किल हो पाएगा, देखकर एक सीमा तक जान सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे देखने की प्रक्रिया और बलवती होती चली जाएगी और उसमें व्यक्ति उतरता चला जाएगा, अब देखना जानने में बदल जाएगा, अब ज्ञान में बदल जाएगा, अब दर्शन ज्ञान में बदल गया है। तो भगवान कह रहे हैं मुझको देखा भी जा सकता है और जाना भी जा सकता है और मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। परमात्मा में प्रवेश करना अर्थात एक है देखना, कोई चीज है गिलास पानी का है, हमने उसको देखा, हाथ लगाकर उसको जाना, ठंडा है गर्म है, अब उसको पिया, अब उसके अपने अंतरतम में अपना ही शरीर का हिस्सा बना दिया। पानी जब तक बाहर है वो शरीर से बाहर है, पानी अंदर जाते ही वो शरीर का हिस्सा बन जाता है। अब शरीर का वजन आप तोलेंगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब शरीर के रग रग में वो पहुंच जाएगा। तो देखना, जानना और प्रवेश करना, ये तीन स्टेप यहां पर भगवान कह रहे हैं। तो भगवान को देखना, जैसे मूर्ति को देखना, मूर्ति को जानना, और मूर्ति में जो भगवान है उस भगवान में एकाकार हो जाना। बूंद सागर को देख रही है, सागर को जान रही है, और बूंद जब सागर में मिलती है तो सागर ही हो जाती है, अब वो सागर में प्रवेश कर गई। जो हमारे हमारा जो जीव है, हमारी जो आत्मा है, वो परमात्मा में प्रवेश कर गई। तो भगवान कह रहे हैं मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है, और यही आत्मा परमात्मा का मिलन कहा जाता है। यही एक ऊंची स्थिति में योग की परिभाषा कही जाती है कि जब साधक अपने स्वरूप को जानते हुए चित्त की सफाई कर लेता है, स्वरूप में टिक जाता है, आत्मभाव में टिक जाता है, अब वह उस चेतना को उस परम चेतना के साथ एकाकार कर देता है। उसी को कहा है भगवान ने मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। तो इस 11वें अध्याय का आज अंतिम श्लोक भी ले लेते हैं। श्लोक है 55। अंतिम श्लोक बहुत ही सारभूत होता है, हर अध्याय में अंतिम श्लोक एक सार होता है, पूरे कैसे जो अध्याय चला
और उस अध्याय में जो बातें साधना बताई गई, कैसे उसको पाया जा सकता है, उसकी एक प्रैक्टिस होती है, उसकी एक साधना होती है, उसका एक तरीका होता है। तो देखते हैं भगवान यहां क्या तरीका बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे पांडव, जो केवल मेरे लिए ही सब कर्म करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और सर्वभूतों में वैर भाव रहित है, वह पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। अब हम भी कहें कि भैया जब अर्जुन को दर्शन हुआ तो मुझको भी दर्शन हो जाए, उसको भी दर्शन लाभ है तो मुझे क्यों ना। तो अब ये तरीके अपनाने होंगे, इस प्रैक्टिस, ये टूल्स बताए हैं, इनको आप फॉलो करें और उसका उसकी अनुभूति, वो दिव्यता और डिविनिटी अपने ही अंतरतम में हम रियलाइज कर सकते। क्या है पहला? केवल मेरे लिए ही सब कर्म करता है। अब हमारे सारे कर्म किसके लिए हो? क्या परमात्मा के लिए होते हैं? हर कर्म में, चाहे वो खाना हो, पीना हो, बाहर निकलना हो, व्यापार करना हो, कुछ भी आप कर रहे हो, जो कर रहे हो वही कर्म, बाहर की तरफ जो भी गति हो जाए वही कर्म है। ये कर्म मन से भी होता है, इंद्रियों से होता है, शरीर से होता है, बुद्धि से होता है, अहंकार से होता है, इच्छाओं वासनाओं से होता है, जहां भी गति है वही कर्म है। तो जो भी गति हमारी जिस भी स्तर पर हो वो परमात्मा के लिए हो। अभी तो सारी गतियां हमारी अपने लिए होती है, परमात्मा के लिए कहां गति हम करते हैं। तो भगवान ने पहला तरीका बताया कि सारी तुम्हारी गति, सारी ऊर्जा का प्रवाह, प्राणों की सारा स्पंदन, हृदय की धड़कन, सारा सांसों की क्रियाएं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ मेरे लिए हो। पहली बात, मेरे परायण और पूरी तरह से मेरे ही आश्रय, मेरे ही परायण, पूरी तरह से समर्पित हो मेरे लिए और मेरा भक्त है। तो जो केवल मेरे लिए कर्म करता है, मेरा प्राण है और मेरा भक्त है, अर्थात भगवान का भक्त। अभी हम शायद धन के भक्त हैं, पति के भक्त हैं, पत्नी के भक्त हैं, बच्चों के भक्त हैं, देश के भक्त हैं, हम कहीं और भक्त हैं, हम किसी देवी देवता के भक्त हैं, किसी इष्ट के भक्त हैं, हम कहीं और किसी पद के भक्त हैं। कोई पद आ जाए तो हम उसके तो पूजा करने लगते हैं, कोई प्रतिष्ठा, कोई कीर्ति का भक्त है। हमारे ही अंतरतम में जिसका लगातार प्रवाह चल रहा हो उसके हम भक्त हो जाते हैं। यदि धन 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 ही चल रहा है तो हम धन के भक्त हैं, यदि कोई पद पाना है तो पद के भक्त हैं, कोई घर बनाना है तो घर के भक्त हैं। हम क्या अपने आप को कहां पर लगाए रखते हैं अपने ज्यादातर समय को, हम उसके भक्त बन जाते हैं, वो भगवान हो जाता है, धन हमारे लिए भगवान हो जाता है, क्योंकि हम उसकी चाहना कर रहे हैं तो हम भक्त हो जाते हैं। घर भगवान हो जाता है, क्योंकि घर बनाना है तो हम उसकी चाहना कर रहे हैं, हम घर के भक्त हो जाते हैं, हम किसी संबंध के भक्त हो जाते हैं, हम कहीं बाहर भक्त बने बैठे हैं। भगवान कह रहे हैं, जो मेरा भक्त है, केवल और केवल जिसके अंदर मेरे लिए ही भाव है, जो केवल मेरा भक्त है और आसक्ति रही, अटैचमेंट ना हो। हम तो पकड़ के रखते हैं चीजों को, कहां छोड़ते हैं, कहां अनासक्त हो पाते हैं। कुछ हाथों से पकड़ लेते हैं, कुछ आंखों से पकड़ लेते हैं, कुछ मन से पकड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर हमने तो पकड़ा हुआ है। क्योंकि बाहर से तो हम पकड़ेंगे तो थोड़ी देर के लिए पकड़ पाएंगे, मन से तो लंबे समय के लिए पकड़ सकते हो ना, किसी संबंध को भी हाथ पकड़ के कब तक रखोगे, लेकिन मन से तो पकड़ सकते हो। अपने धन को कब तक पकड़ के रखोगे अपने हाथों में, आप बैंक में रखा है लेकिन मन से तो आपकी कैलकुलेशन लगातार चली रही है ना। वो पकड़ जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, वो बांध के रखती है बाहर की तरफ, बाहर के लिए अटैचमेंट हमें बाहर से बांध देती है। और बाहर दुख है, परेशानी है, तनाव है, क्रोध है, झल्लाहट है, बंधन, क्योंकि बाहर पकड़े हैं, बाहर बंध गए कहीं। हमें लगता है कि हमने घर को पकड़ा, घर हमें पकड़ता है या हम घर को पकड़ते हैं।
घर हमें थोड़ी पकड़ेगा, हम हमारी जो कार है वो कार हमको पकड़ती है या हम कार को पकड़ते हैं, धन को हम पकड़ते हैं या धन हमको पकड़ता है, हम ही पकड़ते रहते हैं चीजों को, वो चीजें हमें कहां पकड़ती हैं। वो घर कहेगा तू नहीं तो कोई और, कार कहेगी तू बेच दे कोई और, धन तो चंचला है। वो पदार्थ नहीं पकड़ते व्यक्ति को, व्यक्ति ही पदार्थों को पकड़े बैठा है। इसको आसक्ति कहते हैं, क्योंकि ये वन साइडेड हो रही है, हमने पकड़ लिया है। ये जो आसक्ति है, इस आसक्ति को ऊपर उठना है, आसक्ति रहित होना है। यदि आसक्ति रहित हम हो पाए तो परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा हम जगत का, पदार्थों का, संबंधों का ही अनुभव करते रहेंगे। और फिर और सर्वभूतों में वैर भाव रहित, वैर ना हो, दुश्मनी ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है दुश्मनी ना हो, हम तो घर वालों से दुश्मनी कर बैठे हैं, भाई भाई लड़े बैठे हैं, बहने बहने लड़ी बैठी हैं, बाप बेटे से, बेटा बाप से ऐसे ही लड़े बैठे हैं, बेटी माँ से, माँ बेटी से ऐसे ही वैर भाव हमने पाले हुए हैं, अड़ोसी पड़ोसी से हम तो न जाने कहां कहां वैर पाल के बैठे। वैर हमारा, बिना वैर भाव रहित व्यक्ति मिलना मुश्किल हो जाता, कहीं ना कहीं छोटे ना छोटे रूप से वैर तो खड़ा है। किसी पशु, किसी व्यक्ति से नहीं तो पशु से, पक्षी से, कहीं भी किसी ना किसी रूप में वैर आ जाए। और जो वैर आता है तो हिंसा भाव प्रकट हो जाता, हिंसा के आते ही फिर प्रेम भाव खत्म हो जाता, क्योंकि वैर द्वेष पैदा कर देता है। और ये जो वैर, जो द्वेष है, वो राग से उत्पन्न हुआ है। जहां आसक्ति होती है वहां पर द्वेष होता है। आप देख लेना, आप जिन संबंधों में कहते हो कि इनसे सुख मिले हैं, उन्हीं से दुख मिलेगा। पति पत्नी बहुत ही अच्छी तरह से माधुर्य रूप से जीवन जी रहे हैं, कल को झगड़ लेंगे। भाई भाई बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं, कल को झगड़ लेंगे। जहां पर आसक्ति करोगे वहीं पर दूरियां पैदा होंगी, अति सानिध्य जहां करोगे वहीं पर अवज्ञाएं पैदा होंगी, जहां नजदीकी है वहीं अलगाव है, जहां आसक्ति है वहीं पर वैर है, जहां राग है वहीं पर द्वेष है। इसलिए भगवान ने पूरी बात की, पहले आसक्ति रहित और वैर रहित। आसक्ति रहित होते ही हम वैर रहित हो जाएंगे, आसक्ति ही वैर का कारण बनकर खड़ी हो जाती है। आसक्ति ही नहीं है किसी व्यक्ति पदार्थ में तो वैर कैसे करोगे। वैर तो तब होगा कि पैसा मेरा है, मैंने कहा मेरा है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसको उठाकर चल दे, उससे वैर हो जाए। ये घर मेरा है, ये संबंध मेरे हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति कहे नहीं ये तो मेरा है, तो वैर हो जाएगा उससे। आसक्ति के आधार पर वैर पैदा होता है, आसक्ति नहीं तो वैर भी नहीं होता। और वैर रहित वह पुरुष मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये टेक्निक्स भगवान ने बताई कैसे हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। आज ये जो विश्व रूप दर्शन योग का अध्याय था, 11वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। अब अगले सत्संग में हम 12वें अध्याय की बात करेंगे, और जिसका नाम है भक्ति योग। भक्ति की बात वहां पर होगी। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ है, लेकिन सवाल कई सारे आ रखे हैं सुरक्षित जी। पहला सवाल लेना चाहूंगी, अनन्य भक्ति के बिना क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, ये हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। अनन्य भक्ति के बिना क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे जी? आपको यदि कोई काम करना है, आप ऑफिस जाते हैं, आप लगातार अपने ऑफिस में पूरी तरह से ध्यान ना दो, आपका ध्यान इधर उधर रहे, आप साइड बिजनेस भी कुछ कर रहे हो, तो क्या आपको ऑफिस रखेगा? आप व्यक्ति जब शादी के लिए जाता है ढूंढने लड़की को, और जाकर लड़की से कहे कि देखो मैंने बहुत सारी और भी लड़कियां ढूंढी हुई हैं, मेरा ध्यान भी कहीं और भी रहता है, तो क्या वो लड़की शादी करेगी? वो नहीं करेगी, वो जॉब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहां पर भी एक 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 रूप चाहिए,
एकाग्रता चाहिए, एक तारतम्यता चाहिए। जगत में जब पदार्थों के लिए, उसको पाने के लिए, धन को पाने के लिए केवल धन के पीछे भागना पड़ता है, पद को पाने के लिए पद के पीछे भागना पड़ता है, आप बाहर कुछ भी पाना चाहो उसके पीछे दिन रात आपको लगना पड़ता है, खपना पड़ता है, मरना बिटना पड़ता है। ये तो परमात्मा है, आप ऐसा थोड़े कि ऑन एंड ऑफ भगवान को भजते रहे तो परमात्मा हमें मिल जाएंगे। जैसे एक पत्थर है, अब उस पत्थर के ऊपर थोड़ा सा पानी डालो, फिर कभी डाल दो, ऐसे डालते रहो जाल, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन शिवलिंग पर लगातार बूंद बूंद करता हुआ पानी शिवलिंग में गड्ढा कर देता है, उस पत्थर में गड्ढा कर देता है, क्योंकि वो लगातार पड़ रहा है। वो भक्ति है, लगातार तैरतम्य, तैल धारावत जब हमारा ध्यान परमात्मा में हो तो उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। उससे कम से यहां पर काम नहीं चलता, यदि चल जाता तो सब उस ऊंची अवस्था को पा लेते, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की तरफ है। इसलिए यदि थोड़ा भी जग जाए, भक्ति थोड़ी भी हो जाए, तो उसका थोड़ा ही लाभ सही। वो थोड़ा थोड़ा न जाने कब उसका रस आ जाएगा और कब आप बढ़ते चले जाओगे, क्या कह सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल अतुल जी का है, पूछ रहे हैं, गुरु जी नास्तिक के अंदर भक्ति कैसे जगाए? नास्तिक के अंदर भक्ति कैसे जगाए? नास्तिक के अंदर भक्ति जगाना बहुत आसान है, आस्तिक के अंदर जगाना बहुत कठिन है। आस्तिक के अंदर भक्ति जगती कहां है? और जगती है तो झूठी होती है, दिखावटी होती है, बनावटी होती है, ऊपर की होती है, मान्यताओं वाली होती है, जगत वाली, कि बाहर के लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं, बाहर के लोग मंदिर जाते हैं तो मैं भी जा रहा हूं, दूसरे कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं, इसको आस्तिक कहते हैं। तो आस्तिक की जो भक्ति है वो बहुत ही ऊपर के स्तर पर होती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी मान्यताएं उसने अपने ऊपर थोपी हुई। नास्तिक एक कोरी स्लेट है, एक साफ है, अभी बाहर की कोई मान्यताओं का प्रभाव उस पर नहीं है। तो ऐसे में ज्ञान और विज्ञान नास्तिक के पास में, इसलिए भगवान ने 9वें अध्याय में कहा था कि तुझको विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा। अच्छा। जब विज्ञान सहित ज्ञान दिया जाता है तो नास्तिक आस्तिक होने लगता है। हम केवल और केवल अंधविश्वास उस पर थोपते हैं, हम केवल मान्यताएं थोपते हैं, और उसकी बुद्धि तार्किक है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म है, वो कहता है कि मुझे इसको थोड़ा सा गहराई से तो बताओ। और यदि कोई ऐसा बताने वाला जो विज्ञान सहित ज्ञान दे, तो फिर वो जो नास्तिक है उसकी गति ज्ञान में भक्ति में तेजी से होगी, आस्तिक की उतनी नहीं हो पाएगी। तो आप नास्तिक के लिए यदि उसको ज्ञान में लाना चाहते हैं तो पहले उस स्थिति की नॉलेज हमारी होनी चाहिए, यदि उसके तर्क सामने खड़े हो तो उस तर्क का हम समाधान कर पाए, उसका संवाद के माध्यम से उसको उस एक ऊंची स्थिति और डायमेंशन पर ला पाए। लेकिन गुरुजी, अगर किसी नास्तिक के अंदर मन में ये स्थिति हो कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, कई लोगों से मेरी भी बातें होती हैं, कई लोगों से चर्चा भी होती है, तो ये भी तो एक पहले स्थिति बनाई हुई है ना, कि अगर कोरी स्लेट तो फिर इसमें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके अंदर वो स्थिति बनी है कि ईश्वर का स्वरूप है ही नहीं, जो है विज्ञान ही है। यदि कोई कहे कि ईश्वर नहीं है, उसके सेंटेंस को देखो, ईश्वर नहीं है, है तो वो कह ही रहा है ना, है तो वहां है ही ना जी। कहीं ना कहीं गहरे स्तर पर है छुपा हुआ है, नहीं ऊपर के स्तर पर है, है गहरे स्तर पर है। उस नहीं को हटाना है, है तो है ही है, वो पहले से ही है, उसने नहीं को पक्का कर लिया है, नहीं को बड़ा कर लिया है। हमें उस बादल को हटा देना है जो सूरज के आगे आ गया है। बादल ही सूरज के आगे आ जाए तो ऐसा थोड़ी है कि हम कहें सूरज नहीं है। हम कह रहे सूरज नहीं है, अर्थात नहीं मतलब बादल आ गए हैं, है तो वो है ही है, बादल हटे तो सूरज है ही है, हमें नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। और यदि कोई इस तरह से प्रश्न कर रहा है तो हम उसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भी आस्तिक हैं, वो वाले आस्तिक मान्यताओं वाले, बाहर वाले, थोपे हुए, देखे वाले, हम जानने वाले आस्तिक नहीं। परमात्मा को जानकर, देखकर, अपने अनुभव में उतारने वाले आस्तिक होना, और केवल हम मंदिर जाकर पूजा कर लें,
इस आस्तिक में बहुत बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है। परमात्मा का आत्म भाव, उसका स्वरूप अनुभव करना आस्तिक कहलाता है और ना करना नास्तिक कहलाता है। केवल मंदिर जाना आस्तिक नहीं, बल्कि यदि परमात्मा की अनुभूति अपने भीतर अनुभव नहीं हुई है तो वो भी नास्तिक है। केवल वो चूंकि वो बाहर की मान्यता और अंधविश्वास में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आस्तिक हो गया। यदि आस्तिक है तो परमात्मा को तो पा लेगा। तो क्या सारे आस्तिक परमात्मा को पा लेते हैं? नहीं पा पाते। यदि नास्तिक, जैसे तुलसीदास जी नास्तिक हैं, लेकिन पत्नी ने चोट मारी, एकदम आस्तिक हो गए। डाकू रत्नाकर नास्तिक है, परमात्मा को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन नारद मुनि ने जब उनको ज्ञान दिया तो वाल्मीकि बन गए। अंगुलीमाल पूरी तरह से नास्तिक है, लेकिन जैसे ही बुद्ध ने, बुद्ध की शरण में आए और उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, अंगुलीमाल ने कहा ना, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? बुद्ध ने कहा, मैं तो न जाने कब से अपने भीतर ठहरा हुआ हूं, दौड़ तो तुम रहे हो। हम ही आंसर नहीं कर पाते। तो जो नास्तिक है वो पूरी तरह से, चूंकि अंदर तो वही है ना, आत्मा तो वही है ना, चेतना तो वही है ना, वो तो ऊपर की एक मान्यता उसने ओढ़ ली है, क्योंकि उसे विज्ञान चाहिए, उसे तर्क चाहिए, उसको कुछ पहलू चाहिए, और यदि हम ना दे पाए, आप रोटी खाते हैं, आपका ब्लड ग्रुप बन जाता है, कैसे बन जाता है? कौन सांस ले रहा है, कौन निकाल रहा है, कौन रात को हम सोते हैं सुबह हमें गुड मॉर्निंग कर देता है, कौन है वो सत्ता जो जन्म और मृत्यु में पूरी तरह से अड़िग होकर खड़ी रहती है? चूंकि हम ही आंसर नहीं कर पाते, इसलिए हमें लगता है कि वो नास्तिक ही रह गया। लेकिन वो नास्तिक नहीं है, बल्कि वो तो पूरी तरह से तैयार है, कोई तो ऐसा गुरु आए, कोई तो ऐसा आए जो उसके आंसर करे और उसको उस स्थिति से ऊपर उठा दे। जी, अगला सवाल मंजू गुप्ता जी का है, पूछ रही है, आसक्ति को कम कैसे करें? बढ़ाया कैसे है? आसक्ति को कम कैसे करें? उसको बढ़ाना बंद कर दीजिए, वो कम हो जाएगी। उसमें रहना बंद कर दीजिए, उसमें उस मन का चिंतन मनन और उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, वो कम हो जाएगी। जो लोग बिल्कुल नजदीक रहते हैं उनके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, जो दूर हो जाते हैं उनके बारे में हम कम सोचते हैं। जहां हम, हमारा मन का चिंतन की प्रक्रिया लगातार चलती है, वहां पर हम आसक्त बहुत ही गहरे स्तर पर होने लगते हैं। अपने ध्यान को वहां से हटाकर यदि हम अपने स्वरूप में लाएं, अपने श्वासों पर लाएं, अपने स्वभाव में लाएं, परम आत्मा में लाएं, दिव्यता में लाएं, आनंद की अनुभूति में लाएं, तो हमारी आसक्ति वहां से हटने लगेगी। अपनी पकड़ को तो हमें ढीला करना होगा और ये ज्ञान अपने मन को देना होगा, ये आसक्ति आखिर कब तक? यदि मैं ही नहीं रहा तो आसक्ति तो धरी की धरी रह गई। क्यों पकड़ूं इसको? आखिर कब तक पकड़ कर रखूं मैं इसको? पहले से ही छोड़ दूं? जो चीजें छूटने वाली हैं क्यों ना पहले से छोड़ दूं? जो पहले से ही छोड़ी हैं उनका दुख नहीं होता जब वो अचानक छूटती हैं। और मृत्यु का डर व्यक्ति के अंदर इसलिए तो होता है, जिन चीजों को पकड़ा है और वो दिख रही है कि छूटी चली जा रही है। ये धन इकट्ठा किया था जीवन भर, छूट रहा है हाथों से। ये शरीर निलाया धुलाया था, घुमाया फिराया था, खिलाया पिलाया था, छूट रहा है एकदम। सारे संबंध छूट रहे हैं, सब कुछ छूट रहा है, इसलिए भय पैदा हो जाता है। और यदि पहले से ही छोड़ कर रख दे, ये शरीर भी छोड़ दे, अनासक्त हो जाए, उसी को तो संन्यास कहा जाता है कि जो है उसको होते हुए छोड़ दो मन से। ये नहीं कि घर छोड़कर संन्यास है, बल्कि जहां हो जो चीजें पकड़ी हैं उनको मन से छोड़ दो पूरी तरह से। और इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम में जो गृहस्थ आश्रम में चीजों को पकड़ा था, बनाया था, उसमें धीरे धीरे अपने आप को छोड़ा जाता है, और फिर संन्यास आश्रम में पूरी तरह से उनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद केवल अपने स्वभाव में आते हैं। एक अनूठी प्रक्रिया हमारे चार जो आश्रम व्यवस्था है, अनूठी प्रक्रिया है। यदि इस भाव में हम आए, यदि उम्र को हम 100 साल देखें तो पहले 25 साल ब्रह्मचर्य है, फिर 25 साल गृहस्थ है, और फिर वानप्रस्थ है। धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को अपने बच्चों तक पहुंचाना, और उसके बाद फिर आखिर के 25 साल 75 से 100 साल तक पूरी तरह से संन्यास, बच्चा अपना काम करे, हम अपने स्वभाव में स्थित हैं। धीरे धीरे करते हुए आसक्ति कम होती चली जाएगी और हम अनासक्त हो जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, हरि बहुत बहुत ओम। धन्यवाद असुरक्षित जी इस बेहतरीन चर्चा में जुड़ने के लिए। अब आप सभी दर्शकों से मुलाकात होगी सोमवार सुबह 8 बजे एक नए अध्याय के साथ। सुरक्षित गोस्वामी जी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, तो जुड़ना ना भूलिए। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, अगर अभी तक आप ये गीता ज्ञान चर्चा में नहीं जुड़े हैं तो एक नए अध्याय के साथ आप एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से सोमवार सुबह 8 बजे, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।